किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। तो दोस्तों, सुपरस्टार शाहरुख खान की साल 2018 में लास्ट रिलीज फिल्म हुई थी जिसका नाम था जीरो। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जीरो फिल्म जो कि एक बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित रही थी, और दोस्तों उसके बाद से अभी तक शाहरुख खान सर की कोई भी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। और दोस्तों जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म है पठान, जो कि एक हाई एक्शन पैक्ड फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। और इस फिल्म में हमें सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ देखने को मिलेंगे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म में हमें सलमान खान का भी कैमियो रोल देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में जो सलमान खान का कैमियो रोल है वो लगभग 20 मिनट का होने वाला है, जो कि अभी हाल ही में रशिया में शूट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि शाहरुख खान की फिल्म पठान से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट यही आ रही है कि पठान फिल्म में जो सलमान खान का कैमियो रोल होने वाला है वो लगभग 20 मिनट का होगा, जिसमें हमें सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान का एक दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अपडेट तो यही निकल कर आई है कि पठान फिल्म में सलमान खान का जो कैमियो रोल होने वाला है उसकी जो शूटिंग है वो हाल ही में अभी रशिया में कंप्लीट कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इस सीन में हमें हेलीकॉप्टर और ट्रेन का जो एक काफी तगड़ा एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जिस सीन में हमें सुपरस्टार शाहरुख खान और सुपरस्टार सलमान खान का तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म से जुड़ी कोई और भी अपडेट आती है तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। और दोस्तों आप बताओ कि आप पठान फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें बिना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।